हाय गाइस, दिस इज अजय। और आज की बड़ी खबर यह है कि अब रिलायंस जियो धनधनादन ऑफर और समर सरप्राइज ऑफर खत्म हो चुका है, और अगर ये आगे एक्सटेंड नहीं करते हैं तो आपकी काफ़ी भारी भरकम प्राइसिंग देनी पड़ेगी, ना केवल आपके सिम कार्ड के लिए बल्कि अगर आपको एक राउटर भी चाहिए तो राउटर जो जियो का सेटअप है उसके लिए आपको 2000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और अगर आप जियो प्राइम के मेम्बर ऑलरेडी नहीं हैं तो आपको जियो प्राइम की सब्सक्रिप्शन 99 रुपये की लेनी पड़ेगी। और उसके बाद प्लान्स की बात करें तो 149 से लेके 999 तक प्लान्स हैं। 149 वाले प्लान में आपको वन टाइम पेमेंट का ऑप्शन है, और इसमें आपको 2 GB डेटा मंथ का 4G मिलेगा। उसके बाद 309 वाले की बात करें तो उसमें आपको 1 GB डेटा डेली अगले 6 महीने के लिए मिलेगा। उसके बाद अगर 509 की बात करें तो उसमें आपको 2 GB डेटा 4 महीने के लिए मिलेगा, और अगर 999 वाले प्लान की बात करें तो 3 महीने के लिए आपको टोटल 120 GB डेटा मिलेगा। गाइस, तो ये प्लान्स हैं, थोड़े एक्सपेंसिव हैं। अब देखते हैं, पहले भी रूमर से लोग एक्सटेंड किए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर इनके पास आ जाएं, लेकिन इस बार देखना पड़ेगा एक्सटेंड करते हैं या नहीं। क्यों तो उसके बाद गाइस चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो शाओमी ने एक लिस्ट जारी कर दी है, ऐसा लीक हुआ है कई ऑनलाइन साइट्स पे कि एंड्रॉयड नोवा किस किस डिवाइसेस को मिलेगा, और शॉकिंगली इसमें रेडमी नोट 4 का कहीं जिक्र नहीं है। काफ़ी सारे ऐसे डिवाइसेज हैं जो इंडिया में नहीं मिलते, इंडिया के बाहर मिलते हैं। कुछ डिवाइस इंडिया में मिलते हैं, जैसे शाओमी मी 5 या मी मिक्स वगैरह जो मिल रहे हैं उनको अपडेट नोवा मिलेगा। लेकिन ये शॉकिंग है क्योंकि रेडमी नोट 4 एक काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी हाई सेलिंग फोन है रेडमी। अगले फोन्स के रूमर स्टार्ट हो गए हैं। एप्पल के आईफोन 8 का रेंडर ये लीक हुआ है, तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं व्हाइट कलर का रेंडर लीक हुआ है। इसमें फ्रंट में भी हमें 2 कैमरा लेंस देखने को मिल रहे हैं, रियर में 2 कैमरा लेंस भी देखने को मिल रहे हैं। पोजिशनिंग थोड़ी चेंज हो गई, हॉरिजॉन्टल की जगह अब ये वर्टिकल लेंस है। रेंडर हमेशा ठीक भी नहीं होते, तो ये आगे वक्त ही बताएगा कि ये क्या आईफोन 8s दिखने वाला है। इसके बाद बात करें अगली न्यूज़ की, तो लेनोवो वाइब K5 नोट का प्राइस 3000 रुपये कम हो गया है। 9500 का फ़ोन ये मिल रहा है फ्लिपकार्ट पे, लेकिन गाइस फ़ोन बेकार है। 3000 का प्राइस कम भी हो गया है, तो 9500 में ये फ़ोन तो ना ही लें, काफ़ी बाकी भी बहुत सारे अच्छे ऑप्शन हैं बाकी ब्रांड्स में, मोटरोला में, शाओमी में इस दाम के करीब, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। आप ज़ेनफोन भी आज उसका ट्राई कर सकते हैं इस प्राइस में। तो गाइस आज की खबर यही थी, ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पे प्लीज सब्सक्राइब बटन हिट करना ना भूलिए। दिस इज अजय, ओवर एंड आउट, टेक केयर गाइस।